बिहार के गोपालगंज में सोना कारोबारी पर हमला करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 16 मार्च को उंचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन के पास इन बदमाशों ने गोली मारी थी। शिकायत के बाद मामले की जांच पर जुटी पुलिस ने आखिरकार आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों ने एक बाइक और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए हैं। गोपालगंज में सोना कारोबारी पर हमला हुआ था, तीन आरोपी गिरफ्तार। सोलह मार्च को उचका गांव थाना अंतर्गत स्वर्ण व्यवसायी राजू सोनी की मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दिया था। पांच गोली लगी थी, काफी जख्मी हो गए थे। फर्द बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। आसपास के थानों को भी लगाया गया था। अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी कैमरा का जांच किया गया। तीनों अपराधियों की पहचान की गई। इसमें टेक्निकल इनपुट भी लिया गया, सूचना शाखा का सहारा लिया गया। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास जो पिस्टल उन्होंने प्रयोग किया था उसको बरामद किया गया है। जिस बाइक पर सवार होकर घटना को अंजाम दिया था उस बाइक को भी बरामद किया।